सुशासन की सरकार है, ऐसा कहना हमारा नहीं, सरकार में बैठे हुए लोगों का है। लेकिन आज घटना पटना के बोईमोड़ इलाके की है, जहां पर भारी संख्या में अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस की बल पहुंची। पुलिस के बल की तैनाती को देखकर वहां के दुकानदारों ने हमारे ब्यूरो हेड सोनू मिश्र को फोन किया। उसके बाद जगह का मुआयना करने के लिए जब हमारे सोनू मिश्र गए तो देखिए उस जगह पर किस तरह की घटनाएं हुई थी या किस तरह का वारदात हुआ था, इस वीडियो में पहले आप देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार में। हम अभी पटना के बोरिंग रोड में यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार यहाँ पे यहाँ की जनताओं पे बोरिंग रोड में अतिक्रमण हटाने के लिए लगे हुए हैं। हम वो तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे जहाँ बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे सभी लोगों को खाली कराया जा रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार बोरिंग रोड चौराहे पर अतिक्रमण खाली कराने में लगे हुए हैं। हमेशा चुनाव भी आ चुका है, चुनाव में असर भी आएगा। हम बात करेंगे यहाँ की कुछ पब्लिक से जिनका यहाँ पे सारा हटाया जा रहा है। दुकान दुकान में बताया गया था पहले इसको हटाने के बारे में सूचना, जैसा कि ये लोग का कहना है कि जमीन हमारा वहाँ तक आता है। नहीं, बिल्कुल हम लोग का यहाँ तो जमीन आता है। नगर निगम में 4-5 साल पहले कॉर्पोरेशन किया था, जिस वजह बना था ये पार्किंग, यहाँ तक हमारे पांव के ऊपर यहाँ तक लगाया था। फिर कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार की यहाँ मनमानी है। फिर बिल्कुल 100% बिहार में चुनाव भी आ चुका है, चुनाव में असर भी होगा। आप देख सकते हैं लगातार पुलिस द्वारा यहाँ लाठीचार्ज, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। ठीक है, सड़क पर जो है वो ठेला वेला उन्हें हटाए, हम लोग ने क्या किया, हम लोग यहाँ तक पार्किंग हमारी, हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनका कहना है कि हमारे यहाँ तक मेरा ये जो मेरे अपने एरिया में आता है मेरा दुकान, क्या मतलब है सभी तोड़ जाए, इन्होंने वहाँ पर वो तोड़ दिया, वहाँ पर क्या मतलब हुआ तोड़ने का। फिर इसके लिए कोई पुलिस प्रशासन सरकार से कुछ आप लोग कुछ बताया? अब तो पहले ये लोग पहले रुकवाए तब तो फिर हम लोग बात करें। कुछ उससे पहले आप लोग को नोटिस वगैरह नहीं? कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। हम आपको बता दें बिना नोटिस के पुलिस प्रशासन द्वारा बल के द्वारा यहाँ पे खाली कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं चंद रोटी रोटी लोग यहाँ बचा चुके थे जी। इन्होंने बताया बोले तुरंत प्रशासनिक अधिकारी आए, बोले तुरंत अपने दुकान बंद करो। क्या मतलब है कि मतलब प्रशासन अधिकारी आए बोले दुकान बंद करो, ये तुमने तोड़ना है, ये क्या बात है? लोग की तरफ से क्या किया जा रहा है? आप लोग की तरफ कोई सूचना? 40 साल से ये दुकान बना हुआ है, 50 सालों से, और ये पक्का बना हुआ है, कोई कच्चा तो है नहीं। यहाँ बोर्ड नहीं तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे छत तोड़ा जा रहा है। छत तोड़ने के अलाउड कैसे हो सकता है? और कागज दिखाने पे बोला जा रहा है कि आप कागज दिखाओ, तो अभी जाके आदमी कागज दिखाएगा, उतना देर में ये तोड़ देंगे तो आदमी जिएगा कैसे? कहीं ना कहीं देखा जाए कि सरकार और पुलिस प्रशासन जाती है, ये जाती है, जबरदस्ती किया जा रहा है। कितना असर होगा इसके बाद? इसका चुनाव में एकदम सीधा सीधा मोदी सरकार का जो है ना, सरकार गिर जाएगी इस पे। किसी भी सूरत पर हम लोग वोट नहीं करेंगे, उनको बहिष्कार करेंगे इस चीज का। बहुत ही ज्यादा जाति हो रहा है हम लोगों के साथ, बिना जबरदस्ती कोई भी काम कैसे किया जा सकता है बिना सूचना के? आप लोग डायरेक्ट बुलडोजर भिरा दे रहे हैं, डायरेक्ट बुलडोजर भिरा दे रहे हैं, क्या मजाक बना के रखे? हम आपको बता दें बिहार में डबल इंजन की सरकार है और सरकार की यहाँ पे मनमानी साफ साफ देखी जा रही है। आप बने रहे न्यूज बिहार पर, न्यूज बिहार आपको लगातार वो खबर दिखा रही है, बने रहे। सर ये सब होता है, बिना नोटिस के करवा रहे हैं, बोल देना चाहिए कम से कम मकानों वाले के क्या रोड।
सरकार के विषय में क्या कहना चाहते हैं? सरकार आने वाले चुनाव में क्या असर होगा? यही है, जो भी देखेगा तो क्या कहेगा, ये नीतीश का सरकार है अभी, तो नीतीश जी क्या करवा रहे हैं वही नहीं समझेंगे। क्या चीज का दुकान है आपका? मेरा तो यही जूता चप्पल का दुकान। जूता चप्पल, कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया गया है? कोई नहीं, नहीं के बोरिंग रोड इलाका से सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा यात्री कमर यहां हटाया जा रहा है। सवाल यह है कि नीतीश की सरकार 10-12 साल से थी और यहां जितने भी सारे दुकानें हैं कम से कम 40 साल पुराना बताया जा रहा है। आखिर पहले से कहां थी सरकार? एक तरह से देखा जाए तो यहां पुलिस प्रशासन सरकार की मनमानी हो रही है। यहां की जनता, यहां की जो दुकान जो वाले जो है वो एकदम सड़क पर उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि आखिर होता क्या है। बने रहे न्यूज बिहार पर। तोड़ने का मैंने नोटिस दिया, निशान लगा दे भाई, यहाँ तक है, यहाँ तक ऑब्जेक्शन है, यहाँ तक खींच लिया। मनमानी है जब मैं तोड़ने का मतलब नहीं, क्यों तोड़ेंगे भाई? क्या क्या क्यों तोड़ेंगे भाई? पहले आप आके बोलिए, नोटिस दीजिएगा, उसके बाद ही दूसरा भाई कीजिएगा। बिना नोटिस का तोड़ना चालू कर दिया, क्या हिसाब है? कोई तरीका तो नहीं है? अभी देखिए ये तो उसका लिखा दीजिए तुम, तोड़ने वाला लास्ट एरिया में चले जाए भाई, जो है तब तब ले जाए। अरे सारा हाँ, जमीन हटाओ, आपका
गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ, पूरा मोदी का कहना है गरीबी हटा दो, गरीबी हटा दो तो अभी कितना ना पैसा वाला ये टिकेगा इस बात का है ना, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जान जान में चिल्लाता है गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ जाओ कुछ परेशान थे, लगातार अपनी परेशानियों को न्यूज बिहार के समक्ष रख रहे थे, हर पल न्यूज बिहार लोगों की आवाज को उठाते आ रहा है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हम बुलाना चाहेंगे अपने ब्यूरो हेड सोनू मिश्र जी को। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आज आप बोरिंग रोड इलाके में पहुंचे थे, वहां पर पुलिस की तैनाती की गई थी, दुकानदारों को हटाया जा रहा था, ये मामला बहुत बार सामने आया है हमारे सामने, लेकिन आज आपको जब फोन आया आप वहां पर पहुंचे तो क्या नजारा था आप खुद लोग बताएं। देखिए सबसे पहले तो हमें फोन किया गया, हमारे न्यूज बिहार को फोन किया गया, और जब न्यूज बिहार को फोन आया तो हम तत्कालीन जगह पे गए, तब तक वहाँ पे काफी संख्या में फोर्स लगा दी गई थी और सीओ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, सभी सीनियर गण भी वहाँ पे पदाधिकारी लोग भी मौजूद थे। हम बात करने की कोशिश किए कि आखिर बिना नोटिस को क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि बोरिंग रोड का जो चौराहा है आसपास जितने सारे भी दुकान लगा है वो पिछले 40 सालों से लगा हुआ है, और जो नीतीश की जो सरकार है वो 10 सालों से है और दुकान 40 सालों से। जी जैसा कि आपने बताया, हमारे दर्शकों ने वीडियो में भी देखा था, लीगल नोटिस नहीं दी गई थी, फिर भी अचानक कह सकते हैं अचानक अतिक्रमण हटाने वाली टीम वहां पर पहुंची, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, एक गरीब आदमी को कह सके सताना हो गया। सबसे पहले मैं बता दें कि न्यूज बिहार के जब हम वहां पे खुद वहां पे पहुंचे तो वहां के जितने सारे दुकानदार भाई होते जो हमारे दर्शक हैं वो हमें देखकर काफी खुश हो गए, और खुश होकर वो जयकारा नारा लगाते लगे सरकार के खिलाफ, और तुरंत हम उसी समय सीओ साहब से बात की, और तुरंत सीओ साहब बात करने जब हम वहां पे गए तो सीओ साहब ने साफ तौर पर बात करने से हमारे साथ बात करने से मना किया। सीओ साहब ने हम वहां के जनताओं से बात करी की है तो जनताओं का सीधा कहना था कि हमें बिना कोई नोटिस के यहां पे तोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से आपने सुना, हमारे जब ब्यूरो चीफ वहां पर पहुंचे तो जनता के सवाल और मीडिया का सवाल, इन दोनों के सवालों से बचते हुए दिखे सीओ साहब। सर एक जानकारी हमें और दीजिए, हमारे न्यूज बिहार के दर्शक जाना चाहते हैं, आप हर वक्त पटना शहर के विभिन्न जगहों पर घूमते रहते हैं, पुलिस की ये मनमानी जो है चलती रहती है, क्या ये कहीं से भी सुशासन की सरकार झलक रही है, क्योंकि बिना नोटिस के लोगों को सताना ये कर सकते हैं, क्योंकि वहां के दुकानदार ये भी बता रहे थे इस वीडियो में लोगों ने देखा है कि वो बहुत सालों से वहां पर अपनी दुकान लगाए हुए हैं, इस समय में उनकी दुकानों को छीन लेना या कैसे उनकी रोजी रोटी को छीन लेना कहां तक जायज है। बताया तो हम जो भी लोगों से बात किए सब यही लोग बताए हैं कि हमारा दुकान 40 साल से है और सरकार यहाँ पे 12 साल, आखिर पिछले दिनों से कहाँ थी सरकार, पर अगर हटाना ही था तो पहले क्यों नहीं हटाए, हटाना ही था तो पहले क्यों नहीं हटाए, 40 साल से दुकानें हैं और 4 मिनट में उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा, ये कहां तक सही है, कितनी सुशासन की सरकार काम कर रही है ये आपने खुद देखा, हमारे ब्यूरो हेड का भी हम शुक्रगुजार हैं कि वह हर पल बिना एक क्षण गवाए लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, सीधा उनके पास पहुंच जाते हैं, और लोगों का भी न्यूज बिहार के साथ विश्वास बनते आ रहा है। आप भी अपनी कोई भी समस्या हो, कोई भी खबर हो तो हम तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मैसेज करें, हमें ईमेल करें, हम हर पल आपकी आवाज उठाएंगे, बने रहे न्यूज बिहार के साथ, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, धन्यवाद।